लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज का विवादों से मानो चोली दामन का रिश्ता रहा है। यही वजह है कि यहाँ कक्षाएं कम और आपसी गुटबंदी ज्यादा चलती है। ताजा विवाद इसके परिसंपत्तियों और भूमि को लेकर है। मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा महाविद्यालय मिर्जागंज और लंगटा बाबा इंटर कॉलेज मिर्जागंज के बीच आपसी विवाद प्रमाण पर है। दोनों कॉलेज एक ही परिसर में स्थित है और दोनों ओर से कॉलेज की प्रसंपत्तियों को लेकर जीच जारी है। दोनों के अपने अपने दावे भी हैं। इस आपसी जीच के कारण ही कई वर्षों से लंगटा बाबा इंटर कॉलेज का सरकारी अनुदान भी बाधित है। मंगलवार को इसी को लेकर विभागीय निर्देश पर गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा गठित एक टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर के नेतृत्व में कॉलेज सारी चीजों की जांच के लिए लेकर आई। टीम में निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार व जमुआ सीओ द्वारका बैठा भी शामिल थे। टीम ने घंटों दोनों पक्षों के दावे आरोप प्रत्यारोप को गंभीरता से सुना। इस बीच दोनों कॉलेज के शिक्षक और अन्य कर्मियों की उपस्थिति भी रही। टीम मुख्यतः 3-4 बिंदुओं पर जांच कर रही थी। एक यह कि यह दोनों विद्यालय कब से कब तक साथ साथ एक ही कमरे में चलता रहा है और दूसरा यह कि लंगटा बाबा महाविद्यालय मिर्जागंज और लंगटा बाबा इंटर कॉलेज मिर्जागंज के नाम से कितनी अलग अलग भूमि है और क्या क्या यह प्रस्वीकृति के प्रावधान के अनुकूल है या नहीं है। तीसरा यह कि इंटर महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि संबंधित अभिलेख का दाखिल खारिज कब हुआ है। साथ ही टीम को स्थलीय जांच भी करनी थी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर ने कहा कि दोनों विद्यालयों में भूमि और परिसंपत्तियों को लेकर विवाद पुराना है। एक टीम गठित की गई है। आज हम लोगों ने आकर बहुत सारी चीज़ों को समझा है, स्थल निरीक्षण भी किया है, दोनों से उसके दावों को लेकर के कागजातों की मांग भी की गई है। आगे दोनों ओर से कागजात जब हमें मिल जाते हैं तो कुछ हल निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहरहाल इन विवादों की वजह से यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किस जांच में आप लंगटा बाबा विद्यालय पहुंचे हैं? यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्टर के यहाँ से 3 पॉइंट पर आया हुआ है कि डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की भवन की स्थिति क्या है, उनके कागजात क्या हैं। अच्छा। है ना, इंटर कॉलेज कब से चल रहा है, डिग्री कॉलेज कब से चल रहा है, तो जमीन से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं या कागजात हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो भी स्थिति है, कमरों की स्थिति या बच्चों की पढ़ाई की स्थिति, उन्हीं सबों के संबंध में जांच के लिए। अच्छा, कौन डायरेक्टर सर? मैडम हमारे निदेशक सेकेंडरी डायरेक्टर। अच्छा, तो क्या पाया आपने मैडम? अभी तो हमने भौतिक निरीक्षण किया और इन दोनों प्रिंसिपल को हमने कहा जो पॉइंट है उस पर वो अपने लिखित हमको देंगे साक्ष्य से। तो दोनों के बीच में विवाद क्या है मैडम? विवाद जैसे वो तो अभी हमने लिखित मांगा है, उसके बाद ही बता पाएंगे। नहीं, कुछ तो जैसे आप लोग कमेटी गठित हुई है तो कुछ तो वजह उसमें होगा कमेटी का। विशेषकर जमीन किनका क्या है वो भी देखने के लिए, तो ये दोनों प्रिंसिपल अपना साक्ष्य देंगे तो उसी के बाद हम लोग इस कमेटी के चेयरमैन आप हुई है। हम लोग का 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है। आप और एक उप समाहर्ता सर है और जमुआ सीओ। थैंक यू।